नमस्कार, मैं राजेश वर्मा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हम सभी लोगों के घर में कूलर होती है। कूलर की टंकी में अक्सर आपने देखा होगा कि नीचे पानी टपकने वाली जो प्रॉब्लम आ जाती है, तो इस तरह की कंडीशंस में हम कुछ छोटी छोटी छेद जहां पर होती है वहां पर एमसील लगाकर हम उस कूलर की जो टंकी की जो छेद होती है उसे पैक कर लेते हैं। कई बार रिपेयर भी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर डामर की व्यवस्था हो तो डामर को गर्म करके उसमें अच्छे से पेंट की तरह कूलर की टंकी में पूरी पेंटिंग कर दें डामर की पेंट से ही, तो उसमें जो काफ़ी छोटी छोटी जो पझरने जैसे पानी गिरती थी वो भी प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि आपकी अगर कूलर की टंकी रिपेयर करने लायक नहीं है और आप उसको कुछ दिन और चलाना चाहते हैं, तो यहाँ पर इस फोटो पे देखिए, ये जो कूलर की टंकी में जो झिल्ली लगी हुई है, तो इस तरीके से आप भी अपने कूलर की टंकी में झिल्ली लगाकर कुछ दिन उसको टेम्पररी यूज करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।